स्टूडेंट वेलकम टू एसजे एकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं परसेंटेज पार्ट थ्री। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन पार्ट टू में बहुत अच्छे से बेसिक पर बात कर ली थी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे सिखा दिया था। मैंने बोला था परसेंटेज की नॉलेज अच्छी हो जाएगी, रेशियो की नॉलेज अच्छी हो जाएगी, तो परसेंट बहुत ईजी होगा। हम बता रहे हैं बार बार आपको इस चीज़ को कि हम बेसिक से लेकर पूरा ऊपर तक ले जाएंगे। देखो लिखा भी है बेसिक टू एडवांस, देखो लिखा हुआ भी है हमारा बेसिक टू एडवांस। तो हम कोशिशें करेंगे आपको सारा कुछ क्या करें यहाँ से कंप्लीट करते हुए लेके चलें, तो पूरी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो बात के लिए उसको ठीक है, अब आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, आप समझिए इस चीज़ को, हम क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को भी लेते चलेंगे, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या होता है। तो याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन में एक रीज़न है, ऐसा नहीं कि सिमिलर क्वेश्चन लेके आया हूँ। हर एक क्वेश्चन को लगाने का अपना एक बेहतरीन तरीका है और हर एक क्वेश्चन का अपना एक कंसेप्ट है। तो समझते चलना, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले नोट नंबर वन आप ये समझने की कोशिश करिएगा। चलो अगर a प्लस बी इक्वल टू 10 दिया हो और a माइनस बी इक्वल टू अगर 6 दिया हो, तो यहाँ से a की वैल्यू कैसे निकालेंगे और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम आराम से भी निकाल सकते हैं, तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूँ, समझिए। जैसे अगर आप a सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे पहले है, तो अगर a की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़कर ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा 16, इसको दो से क्या करना है, भाग करना है। तो a की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगर b की वैल्यू आपको चाहिए तो ये सेकेंड वाली है, छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू में क्या होगा ना कि इन दोनों को लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4, और 4 से 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 2। देखो a की वैल्यू 8 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, ऐड कर दोगे तो 10, 8 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 6। ये तो तरीका हो गया आपका जल्दी से निकालने का, ठीक है। चलो जैसे मैं बोल दूं a प्लस बी इक्वल टू 20 हो और a माइनस बी इक्वल टू कितना हो, 6 हो, तो यहाँ से a की वैल्यू कितना आएगा, आप बोलोगे सर ऐड कर देंगे, 26 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 13। फिर b की वैल्यू यहाँ से फिर कितना आ जाएगा, इन दोनों को लेस करोगे तो 14 आ जाएगा, 14 को अगर आधा कर दोगे कितना आ जाएगा, 7। तो कितना आसान था, तो बस आपको यही फोकस करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना कर देंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पे, उस क्वेश्चन को समझते चलना। कह रहा है 6.25%, तो आपको पता होना चाहिए 6.25% को बोलते हैं 1/16, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। फिर 33.33% को 1/3 बोलते हैं। चलो तो एग्जामिनर क्या बोलना चाह रहा है, देखो कह रहा है 1/16 ऑफ a प्लस बी, यानी कि 1/16, याद रखना 6.25 जो है ना वो परसेंट है, 6.25 क्या है ना, परसेंट है, तो परसेंट को हमने फ्रैक्शन में बदल लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये बोला है कि इसका जो है ना a प्लस बी, ठीक है, कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से 5 दिया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आप इसको सॉल्व करके देख लो पहले। चलो तो आप बोलोगे a प्लस बी यहाँ से आपको कितना दे देगा, तो आप बोलोगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 दे देगा, ठीक है। चलो फिर आप बोलोगे हमें पता है 33.33% दिया है, किसका दिया है, तो आप बोलोगे a माइनस बी, तो 33 को आप लिख सकते हो 1/3 और a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है, तो आप बोलोगे 10। तो आप यहां से आराम से बता सकते हैं कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर 30 आ गई, ठीक है। फिर आप मेरे को एक चीज़ बताना, आपसे पूछा है a माइनस बी प्लस 40 का 11.11% पूछा है, क्या पूछा है, 11.11% पूछा है। चलो तो कैसे निकालेंगे आप इस चीज को देखो, समझो यहां पे देखो, तो आप बोलोगे a प्लस बी अगर 80 है, a प्लस बी अगर 80 है और a माइनस बी अगर क्या हो आपका 30 हो, तो मैंने बोला था a की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, एक वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, आपको ही तो बताना है एक वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे a की वैल्यू का डायरेक्ट ऐड करोगे तो 55 आ जाएगा। बोलो ऐड करके लेस करना है, ऐड करके दो से क्या करना है, डिवाइड करना है, और बी की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को लेस करके उनका आधा करना है, तो कितना आएगा 25। तो एक वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई ना। फिर आपसे पूछा है 11.11%, तो मैंने आपको बताया था कि 11.11% होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/9, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, ये होती, मैंने आपको समझाया था। तो आपसे एग्जाम्पल पूछ रहा है ए माइनस बी, तो ए कितना है 55 है, 55 में आपको 25 लेस करना है, प्लस क्या करना है 40, फिर इसको ऐड करना है और आपको कितना चाहिए 1/9 वैल्यू, 1/9 वैल्यू।
तो 1 बाई नाइन वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो 1 बाई नाइन आप रहन दो, 1 बाई आप 9 रहन दो, 55 में 25 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, आप बोलोगे 30, फिर इधर कितना बचेगा 40, तो टोटल आ जाएगा 70। मतलब आपको बताना है 70 का 1 बाई नाइन वैल्यू, कितना बताना है 1 बाई नाइन वैल्यू, ठीक है। ना तो ये हो सकता, ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये, आप बोलोगे नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पे आप कह रहा है 20% ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो समझते जाना इस चीज़ को आप यहाँ पे, कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, फिर 33.33 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, फिर 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि एग्जामिनर ने जो बोला है 20% मतलब 1/5 ऑफ ए प्लस बी की स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है आपको 5, ठीक है। फिर आपसे बोला है कि एक वैल्यू और दी है, लेकिन पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो आप बोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 25 आ जाएगी, फिर ए प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी 5, स्क्वायर है तो अंडर रूट चला जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप देखो, अगर मान लो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 दिया है, तो ए की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, 25 रख के रूट इधर फेंक दोगे, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5। तो यही चीज़ अगर यहाँ दिया है कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर दिया है और 25 गिवन है, तो a प्लस बी की जो वैल्यू हो जाएगी, 25 रखो स्क्वायर उधर फेंकोगे अंडर रूट बन जाएगा, a प्लस 5 की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5 आ जाएगा ना 5 आराम से आ जाएगा। चलो फिर हमने ये देखा कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 आ गई। फिर आपको क्या चाहिए, 33 को हमने क्या बोला, आप क्या लिख सकते, आप बोलेंगे 1/3 ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, तो आप बोलोगे 3। तो a माइनस बी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, a माइनस बी की जो वैल्यू आ जाएगी होल स्क्वायर, वो आ जाएगी यहाँ से 9। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर जाके, तो a माइनस बी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो आपकी आ जाएगी 3। तो फिर आपको यहाँ से पता चला कि सर a प्लस बी की वैल्यू जो आई वो आ गई 5, और a माइनस बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3। तो यहाँ से ए की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो कि 5 × 3 = 8 है, जोड़ दोगे तो 8 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या चाहिए, सेकेंड वाली वैल्यू, इन दोनों को लेस करो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आप आराम से यहाँ बता सकते हैं कि ए की वैल्यू जो आई वो 4 आई, और बी की वैल्यू जो कितनी आई आपकी कितनी आ गई 1। तो फिर आप आराम से यहाँ से देखेंगे, एग्जामिनर जो पूछ रहा है 66.66% ऑफ ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 4 है हमारे पास, कितनी है 4 है, तो 4 है। बी की वैल्यू कितना 1 है, तो आप 1 लेस कर दोगे, 66.66 का मतलब होता है 2/3, आप 2/3 कर देंगे, यहाँ से लेस करेंगे 3 आएगा, और यहाँ से बाहर दिया है 2/3, तो 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया आंसर। बार बार समझा रहा हूँ, ए प्लस बी पर, ए माइनस बी पर पैटर्न क्वेश्चन मैंने कराया, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, चलो करोगे ना तो आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। सब लेवल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजी चाहिए तो इंतजार करिए, उसके लिए भी आएंगे, है ना। तो बेसिक से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन के साथ साथ रेशियो की अच्छी नॉलेज हो जाए। तो इस चैप्टर से मैक्सिमम और चैप्टर को मैं कवर करना चाह रहा हूँ, तो कोशिश करें आप समझें, ठीक है। चलो 2a, अगर ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन आया तो आप कैसे सॉल्व करोगे, नोट नंबर टू क्या है, जैसे मान लो आपको एग्जामिनर ने दे दिया 2a = 3b = 4c दिया है, तो आपसे पूछ ले a का, b का और c का वैल्यू क्या होगा, आपसे पूछ लिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। अगर आपको एलसीएम लेना, अगर इनका आ रहा है तब तो आप इनका एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा, और 4 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम जाएगा। आपके पास ये तरीका है, अगर मान लो आप ये तरीका नहीं अडॉप्ट कर रहे, एलसीएम आपको नहीं आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर ए का, बी का और सी का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, ए और बी सी की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। अगर आपको ए निकालना है तो ए को आप छुपा लो, तो 4 × 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर आपको अगर बी निकालना है तो बी को छुपा लो, 4 × 2 कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 8 आ जाएगा। फिर आपको अगर सी निकालना है तो सी को छुपा लो, 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप बोलोगे ये कट रहा है तो इसको हम काट देंगे 2 से, तो 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आपके पास ये रास्ते भी अपना सकते हैं, अगर एलसीएम लेना आ रहा है तो आपको ये भी रास्ते अपना सकते हैं। बहुत बेसिक पे जाने की जरूरत नहीं है, वरना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम। तो इस प्रोसेस में इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक और समझा देता हूँ आपको, जैसे 3a
इक्वल टू 5b इक्वल टू 6c है। तो a का b का और c का आपको रेशियो बताना है या वैल्यू बतानी। आप और इनका एलसीएम ले लेते हो, तो एलसीएम चलो आपको पता चला कि 30 आ जाएगा, तो ये कितने टाइम जाएगा, तो आप बोलोगे सर 10 टाइम। ये कितने टाइम जाएगा, तो बोलोगे 6 टाइम। ये कितने टाइम जाएगा, तो आप बोलोगे 5 टाइम। ये रेशियो आ गया। मान लो हमें एलसीएम लेना ना आ रहा हो, तो मैंने आपको समझाया ना, ए को चाहिए तो ए को छिपा लो, 5 6 कितना आ जाएगा 30। फिर बी चाहिए तो इनको ले लोगे, 6 3 कितना हो जाएगा 18। फिर ये चाहिए तो इनको ले लोगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15। आप इसे सॉल्व कर दोगे, 3 से अगर काट दोगे तो 10 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा और 5 टाइम जाएगा। तो सेम रेशियो वही आ रहा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो आप ऑप्शन में ही देख कर इस चीज़ को आराम से बता सकते हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे आपको पता चल गया यहाँ पे कि 2a 3b और 4c दिया है, तो अगर a की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं a b की वैल्यू, a b c की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो आपको बताया गया इस चीज़ को, देखो कैसे। अगर आपको a चाहिए तो a छिपा लोगे, तो 4 3 कितना आ जाएगा 12, तो a की वैल्यू डायरेक्ट 12 आ जाएगी। फिर b चाहिए तो b को छिपा लोगे, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर c चाहिए तो c को छिपा लोगे, 2 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर दोगे ना, तो कितना आ जाएगा, देखो आप ध्यान से, 6 4 3, ये आ गया आपका रेशियो। क्या आ गया, ये आपका रेशियो। फिर एग्जामिनर पूछ रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी कि जो बी है ए का कितना परसेंट है, तो आपको बताना होगा ना कि सर जो बी है वो ए का कितना परसेंट है, ऐसे ही तो पूछ रहा है। तो बी जो है ए का कितना प्रतिशत है या परसेंट है, ऐसे ही पूछ रहा है। तो बी को आप ऊपर रखेंगे 4 है, ये नीचे कितना है 6 है, इंटू क्या कर देंगे ना 100। तो आपको पता है इसको काट देंगे तो 2/3 इंटू 100 आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 66.66% होती। परसेंट से फ्रैक्शन में जा सकते हो, तो फ्रैक्शन से परसेंट में तो जा सकते हो, काटने कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हो। अरे बता सकते हो ना आप, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे, आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो पूछा है ना कि ए का कितना प्रतिशत बी है, तो बी जो है ए का कितना परसेंट है, ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, तो आंसर आ जाएगा आपका नन ऑफ दिस। ये कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन समझेंगे तो आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का एक लॉजिक है, अगर आप समझ के चलोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत घबराना नहीं है, बहुत प्यार से आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो 20% ऑफ ए, 30% ऑफ बी, 40% ऑफ सी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस सी इज बी। इसका मतलब ये है, अच्छा 20% ऑफ, अच्छा समझो आप मेरे को बताओ, चलो मैं लिख देता हूँ इसको भी करने का अपना एक तरीका समझना। 20% दिया है, 20% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी इक्वल टू 40% ऑफ सी, ये भी दिया है। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, इसमें क्या इसमें सब में परसेंट 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 कॉमन नहीं है, ऑफ 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 कॉमन नहीं है, तो सब कट जाएगा। जीरो 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 कॉमन नहीं है, कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू क्या बचेगा 4c। फिर आपको मैंने बताया कि a का b का और c का रेशियो निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। भैया a चाहिए तो छिपा लो, 4 3 कितना हो जाएगा 12। 3 b का चाहिए तो छिपा लो, 4 2 कितना हो जाएगा 8। c का निकालना है तो इसको छिपा लो, 2 3 कितना हो जाएगा 6। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, 6 4 3, देखो ये आपका रेशियो आ गया, रेशियो आ गया। एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे आप देखेंगे, तो बोल रहा है कि 40% ऑफ a प्लस सी, तो a प्लस सी का 40% कितना होगा, यही तो पूछा है आपका। तो आप मेरे को बताओ, 40% का रेशियो नहीं पता आपको 2/5, 40% को अगर आप रेशियो बदलना चाहो तो क्या 2/5 नहीं बदल सकते, आप बदल सकते हो। इसका मतलब यह है कि 40% को आप डायरेक्ट 2/5 लिख सकते हो, 2/5 लिख सकते हो, सिखाया मैंने आपको। फिर आपने बोला a प्लस सी मतलब a कितना है 6 और ये कितना है 3 है, ए प्लस सी तो पूछा है, ये 6 और ये कितना है 3 है, तो 6 3 कितना हो गया 9 इंटू 2/5 कितना आ गया 5, यही तो हो गया। फिर आप इसको करोगे तो 18/5 कितना आ गया 5, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यही तो वैल्यू पूछा है ना आपसे। वैल्यू तो पूछा है कि 40% तो ए सी का कितना प्रतिशत है, ए प्लस सी का 40% कितना होगा, तो आप बोलोगे 3.6% में दिया, ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको सही कर लेना, आंसर हो जाएगा 3.6। भैया a प्लस सी जो है यूनिट में आया ना, यूनिट में आया,
यूनिटी में फिर से पढ़ लो, ए का 20%, बी का 30% और सी का 40%, तो ए प्लस सी का कितना परसेंट होगा। एक्चुअली यहाँ ये पूछा है, देखो क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस सी इज बी, कह रहा है कि ए प्लस सी जो है या बी जो है ए प्लस सी का कितना परसेंट है, यानी कि जो बी है वो ए प्लस सी का कितना परसेंट है आपसे ये पूछ रहा है, कितना परसेंट है आपसे ये पूछ रहा है। तो आप बोलोगे बी की वैल्यू कितनी आई है, तो आप बोलोगे 4, ए प्लस सी कितना है तो 6 3 कितना है 9 9 आया। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अगर परसेंट में लेना चाहो आप, आपको पता है परसेंट लेना चाहो तो मैंने आपको समझाया था कि 4/9 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 4/9 फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपका कितना होता है आप बताओगे। 4/9 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, मैं आपको देखो गिना देता हूँ, करा देता हूँ, देखो। तो आप बोलोगे 400 को 9 से भाग करेंगे, तो 9 4 36, फिर 4 बचेगा, पॉइंट लोगे आप, 4 बार जाएगा, फिर 9 4 36, 44.44% आएगा। तो आपको पता चल गया कि 9.4 की जो वैल्यू थी, 9/4 की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी, तो वो तो पता है कि परसेंटेज था, लेकिन 4/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 44.44%। ये चीज़ आराम से मैंने निकालना आपको सिखाया था, ठीक है। तो ये भी आसान से क्वेश्चन लग गया, बहुत हार्ड नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, हम बहुत आराम से लेके चल रहे हैं, आपको एक चीज सिखाने की कोशिश करें आप समझ सके। कह रहे ए का 2/5, बी का 3/4, यानी कि ए का 2/5, यानी कि ए का 2/5 इक्वल टू बी का 3/4 इक्वल टू सी का 1/3 है। तो आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का 10% का मतलब होता है 1/10, यही तो पूछा है। 10% को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते फ्रैक्शन में, 1/10 आराम से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलो तो 1/10 निकालना है हमें, तो आप बोलोगे इसको कैसे हम तोड़ें, ये भी तो अपना कोई तरीका होना चाहिए इसको निकालने का, ऐसा तो नहीं हम कुछ भी निकाल देंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा काम। चलो तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसका अप्रोच क्या है, तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसको रेशियो थोड़ी सी मदद लेंगे, आप सीख जाओगे, हो सकता है कभी सिखाया ना हो किसी ने, देखो आप। चलो तो हमने कहा मान लो 2/3 है ए का, इक्वल टू 1/4 है बी का और 1/5 है सी का। तो आपको यहां से एग्जामिनर पूछ सकता है भैया ए का बी का और सी का रेशियो या वैल्यू आप बता दो, पूछ सकता है आपसे। तो आपको कुछ नहीं करना, आप घबराना नहीं, इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, आपको शॉर्ट तरीका मैं बताता हूं। आप डायरेक्ट यहां से ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, देखो ए सेम जैसे आप पहले करते थे ना सेम वही कर लो, आप नीचे वाली वैल्यू को सब भूल जाओ। अगर आप नीचे वाली वैल्यू को भूल जाएंगे, 3 4 5 अगर आप भूल जाओ, तो ऊपर क्या बचा, तो आप बोलोगे 2a, ऊपर क्या बचा 2a बचा, फिर 1b बचा, फिर इक्वल टू 1c बचा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर a की वैल्यू निकालना है तो a को छिपा लो, 1 1 जा 1 1 हो जाएगा, फिर b की वैल्यू निकालना है इसको छिपा लो तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर आप चाहे तो c की वैल्यू निकालना है तो c को छिपा लो 2 1 जा क्या हो जाएगा ना 2 हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर ये तो हमारा आराम से निकल गया है यहाँ पे, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पूरा निकले। हमने कहा कुछ नहीं करना है, ए के नीचे क्या था 3 था, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ए के नीचे 4 था आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ए के नीचे 5 था 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका रेशियो हो गया। बहुत आसान तरीके से बताया, तो रेशियो कितना हो गया 3 1 जा 3 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया और 2 5 जा कितना हो गया 10, ये आपका रेशियो हो गया, ठीक है। चलो और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, चलो 2/3 ऑफ ए हो जाए, 3/4 ऑफ बी हो जाए और 4/5 ऑफ क्या हो जाए ना सी हो जाए, सी हो जाए। तो यहाँ से डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बी और सी की वैल्यू, तो मैंने आपको बोला नीचे वाला भूल जाओ, ए निकालना तो ए को छिपा लो तो 3 4 जा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, बी निकालना बी को छिपा लो तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर सी निकालना सी को छिपा लो तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो गया ना 6। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है, ए के नीचे 3 तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, बी के नीचे 4 आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहां पे क्या था नीचे, थ्री बाई क्या था यहां पे देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। चलो 4/5 था यहां पे, तो फिर देख लेते हैं एक बार हमने क्या किया, देखो आप ध्यान से, चलो 6 कर दिया था हमने यहां पे, ठीक है। चलो तो हमको ये पता चला कि नीचे वाला 3 था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे अगर 4 था तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 5 था तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया 36, कितना बन गया 32, फिर यहाँ से कितना बन गया 30। अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं 18 16
और 15, फिर ये कटने वाला नहीं है, तो एक्चुअली इसका क्या है ना, रेशियो है। बस यही तरीका मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखना है चीज़ को, बहुत आराम से आ जाएगा। ए और बी और सी की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ए का चाहिए छिपा लो, 3 1 कितना आ जाएगा, 3। बी चाहिए छिपा लो, 2 1 कितना आ जाएगा, 2। फिर सी छिपा लो, 3 2 कितना आ जाएगा, 6। फिर आपको क्या करना है, जो नीचे गिवेन है 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 है तो आप 3 से। आप बोलोगे 15 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 18। अब ये कटने वाला नहीं है, यही आपका क्या है ना, रेशियो, यही आपका आंसर है। फिर पूछा ए प्लस बी प्लस सी, तो भैया इन सबको जोड़ना है। 18 8 कितने हो जाएंगे, 26, और 26 5 कितना हो जाएगा, 31, और 10 कितना हो जाएगा, 41। तो आपको 41 का 1/10 चाहिए, जो आपका आंसर आ जाएगा 4.1। बहुत आसान था, अगर इस रेशियो को अच्छे से आया तो आप कर सकते हैं, वरना मैं रेशियो चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो और रेशियो बढ़िया कमांड करूंगा। लेकिन ये बहुत छोटा है, बहुत बड़े क्वेश्चन को बहुत छोटे तरीके से हम लोगों ने समझा। पहले आप समझेंगे फिर आप कर ले जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलो फिर देखो क्या बोला उन्होंने बोला 66.66%। भैया 66.66% को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर 2/3। 25% को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1/4। 12.5% को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे 1/8। ये रेशियो मैंने आपको सिखाया है, रेशियो अगर आपको सिखाया तो आपको बहुत आसान है, आप बता लेंगे जैसे। फिर आप डायरेक्ट यहाँ लिख देना कि सर 2/3 किसका पूछ रहा है, ए का। 1/4 किसका पूछ रहा है, बी का। और 1/8 किसका पूछ रहा है, तो आप बोलोगे सी का। फिर डायरेक्ट आप यहाँ से ए का, बी का और सी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए और बी सी का रेशियो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ए निकालना है, ए को छिपा लो, 1 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर बी निकालना है तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर सी निकालना है तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे नीचे अगर 3 है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे अगर 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3:2, 8:16, ये आपका रेशियो आ गया। क्या आ गया, ये आपका रेशियो आ गया। फिर एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, a प्लस b प्लस c का आपको 25% निकालना है। 25% का मतलब होता है 1/4 निकालना। क्या निकालना है, 1/4। तो 1/4 कैसे निकलेगा, इन सबको आप जोड़ दोगे तो 16 3 19 हो जाएगा, और 19 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27। तो 27 का आपको 1/4 निकालना है। जो आप सॉल्व कर देंगे ना यहाँ से, जो सॉल्व कर देंगे ना आप, तो 6.75 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6.75। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड हो जाएगा, नहीं क्लियर है तो आपको लगेगा टाइम। बाकी इसका जो तरीका आप देख लेना, इससे आसान मिले तो मेरे को बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा है 5:20 एक्सप्रेस एज परसेंट इक्वल टू, कह रहा है 5 जो है 20 का कितना परसेंट आपको बताना है। भैया 5 जो है, यानी कि 5 जो है, 5:20 है, इसमें पूछा 5:20 का कितना परसेंट आपको बताना है। तो आप बोलोगे 5/20 इसका परसेंट बताना है, आराम से बता देंगे। यहाँ से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। वैसे भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर रेशियो 1/4 हो, फ्रैक्शन 1/4 है, तो इसका परसेंटेज हमेशा 25 होता है, वरना आप निकाल लो तब भी आपका कितना आ जाएगा ना, 25% आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, इस चीज़ को हम लोगों ने ऐसे ही लगा लिया, ठीक है, बहुत हार्ड था नहीं। चलो अगला देखते हैं, कह रहा 28% ऑफ 450, ठीक है, फिर 45% ऑफ 280। तो इसका बोला मूल्यांकन क्या होगा, यानी कि इवेल्युएट करके आपको बताना। तो आपको बोला 28%, देखो आसान है, बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280 आपको ऐड करके बताना है कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपको ये पता होना चाहिए। चलो तो हमने कहा देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका क्या है। तो आप बोलोगे 450 का ना हमें ना 28% यानी 28/100 निकालने को कह रहे हैं। फिर हमसे बोल रहे हैं कि 280 का हमें क्या निकालना है ना, 45% निकाल रहे हैं, या 45% को आप अपॉन 100 कर सकते हैं, हमने कर दिया, ठीक है। चलो ये चीज़ तो यहाँ पे आ गई। फिर आप बोलोगे इतना लंबा कैलकुलेशन करने का कोई मतलब है, हमने कहा 0 से 0 आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। चलो 0 कैंसिल हो गए। फिर आप अगर यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 1/10 कॉमन बाहर चला जाएगा, ठीक है। फिर कितना बचेगा, 45 × 28 + 28 × 45। आपको लगता नहीं है कि ये दो बार इन्होंने ये चीज़ को दे दिया है, तो आप बोलोगे 1/10 रख लो, 1/10 रख लो, और 2 × या ब्रैकेट में मत करो, 2 × आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2 × 45 × 28 आप ये कर सकते हो। फिर आप यहाँ से काट दोगे तो कट जाएगा,
तो 45 इंटू 28 अपॉन कितना बचेगा 5, फिर आप करोगे यहाँ तो 9 आ जाएगा। मैं आराम सिखा रहा हूँ स्टेप भाई, आप घबराओगे नहीं तो नहीं। पिछला आप 450 का 28% निकालने लगे, कैलकुलेशन हार्ड बनाने लग गए, ऐसा कोई मतलब है नहीं। फिर आप 9 जा कितना होता है 72 होता है, 72 ऐसे यहाँ देखोगे तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो 9 8 72 हो गया, बचा कितना 7 कॉमन, तो 9 9 2 कितना हो गया 18 हो गया, 18 में अगर 7 जोड़ दोगे ना तो 25, यानी कि 5 आएगा। और जैसे ही 5 देखोगे तो ये कैंसिल पूरा करना ही नहीं पड़ा, तो आप बोलोगे 252 आपका क्या है ना सर आंसर है, 252 क्या है ना आपका आंसर है। तो चाहो तो इसको आप ओपन करके शुरू से ही भैया काटना पीटना चालू कर सकते हो, लास्ट तक लाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम से हो जाएगा, और ज़्यादा 15 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो तो जबरदस्ती कोई चीज़ सॉल्व मत किया करो, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर बोला 2.09 कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ परसेंटेज, कह रहा है कि 2.09 को आपको परसेंटेज में करना है। अच्छा तो 2.09 को क्या मैं 209 अपॉन 100 नहीं लिख सकता, 100 लिख सकता हूँ। फिर आप कहोगे सर ये एक फ्रैक्शन है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, ये अगर एक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू क्या करना पड़ता है 100, और जैसे ही काट दोगे ना तो आंसर आ जाएगा 209%। कितना आ जाएगा 209%। कई लोग ये कन्फ्यूज होंगे 100 कैसे आ गया, भैया अगर जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर के बाद पॉइंट होते उतना हटाओगे ना तो नीचे 0 आते हैं, तो 209% आपका आंसर ना तो ये हो सकता ना तो ये ना तो ये, आंसर हो जाएगा 209%। कितना हो जाएगा 209%। देखो ये आसान है, हम बहुत पहले क्लास चल, तो कह रहा है कि 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर बाई 2, ऐसे करके तो ऑप्शन हम आराम से मार सकते हैं 16, ठीक है। कैसे मैं बता रहा हूँ 16, आप समझना इस चीज़ को, 16 हम डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। कैसे, इन्होंने ये बोला है कि 40 का 15%, सबको पता है भाई कि 40 का जो 15% होता है वो कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 6 होता है। तो कह रहा है कि 25%, कह रहा 25% किसी एक नंबर का आप निकालो, किसी भी एक नंबर का निकालो, माना x है, x का मैंने 25% निकाला, तो कह रहा ये नंबर जो है ना इसके नंबर से ना 2 ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब ये 6 होगा तभी तो 4 होगा, यही तो बोलना चाह रहा है, अगर ये 6 है तो ये 4 होगा। आप मेरे को बताओ x इंटू 1/4 इक्वल टू 4, तो क्या x की वैल्यू यहाँ से 16 नहीं आ जाएगी, 16 नहीं आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। भैया 40 का 15% 6 होता है, तो आप कह रहे किसी एक नंबर का 25% निकाले, जो आंसर आएगा ये हमेशा इससे 2 कम हो गया, या बोल सकते हो कि ये वाला इससे हमेशा 2 ज़्यादा होगा, देखिए 4 हो जाएगा ये, फिर आप सॉल्व करोगे ये 16 आ जाएगा। तो ये तो ओरल देख के बता सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला इसमें नहीं था, ठीक है। चलो चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है एक संख्या के 2/5, 1/3 का 1/4 15 है, कह रहा 1/4 ऑफ 1/3, कह रहा 1/4, देखो जैसा बोले वैसा लिखते जाओ, ऐसे क्वेश्चन करने का सही तरीका होता है 1/4, 1/3 इंटू 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15, कह रहा किसी एक नंबर का अगर 1/4 निकाल दूँ, 1/3 निकाल दूँ, 2/5 निकाल दूँ, तो वो आंसर आता है 15। आप सही तो पूछ रहे हैं, तो कह रहे वो नंबर क्या है, तो आप बोलोगे भैया सर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x आ जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 5 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। फिर आपको सर इसको मैं काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 30, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको इधर करोगे तो 450। अच्छा ये पूछना क्या चाह रहा है, तो कह रहा उस संख्या का 40% क्या होगा, मतलब 450 का आपसे 40% पूछ रहा है, तो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मैंने बताया था ना 2/5 कितना होता है 5, तो आपको ना 450 का 2/5 निकालना है, 2/5 निकालोगे ये तो आपका 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अगर इसको करोगे तो ये आपका 90 आ जाएगा, फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये 180, कितना आ जाएगा 180। ऑप्शन यहाँ ऐसा कहाँ है जो 180 गिवन है, चलो तो आप समझना क्या कहीं पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे देख लो आप, बोला 1/4, 1/3, 2/3 ऑफ अ नंबर इज 15, ठीक है, ऊपर 2x आ जाएगा, 4 3 12 5 60 हो जाएगा, काट देंगे 30, इधर चले 15 3 45, तो करें 450 का आपको 40% निकालना है, यानी कि 2/5 निकालना है, तो भाई 5 9 45 90 आ गया, फिर 280, मतलब ऑप्शन इसमें कहीं नहीं है, ये ऑप्शन सारे गलत हैं, सारे गलत हैं, आंसर आपका कितना आ जाएगा ना 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180, ठीक है। तो आपको जिस कोशिश करना है समझने के लिए जो मैं बताया हूँ, आप उस चीज़ को देखेंगे तो आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहे हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ प्योर एसिड आर देयर इन 8 लीटर ऑफ अ 20% सोल्यूशन, कह रहा 20 लीटर घोल के 20% घोल के 8 लीटर में शुद्ध अम्ल होता है कितना,
शुभ अम्ल पूछा है ना, शुद्ध अम्ल पूछा है, तो 8 लीटर मान लो पूरा है, इसका मुझे 20% निकालना है, तो आप ऐसे ही निकालोगे ना, तो आप इसको काटोगे सर ये 8 इंटू कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा, तो 1/6 लीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.6 लीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका भी, बहुत आसान था। आप इसको ये भी कर सकते थे, 20% का जो रेशियो होता है वो 1/5 कितना होता है 5, तो आप बोलोगे 8 का आपको डायरेक्ट 1/5 निकालना था, तो आप डायरेक्ट देख सकते थे, ओरली देखते तो 1.6 आपका आंसर आ जाता, तो बहुत हार्ड है नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लेते चल रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है। चलो क्वेश्चन के पीछे हर एक चीज़ का कंसेप्ट आप समझते हुए चलोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे आप उसको मैं समझाएंगे कि एक्सपेंडिचर प्राइस और कंजम्पशन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कम से कम समय में करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। यदि संख्या x दूसरी संख्या वाई से 10% कम है और वाई 125 से 10% अधिक है तो एक्स का मान कितना होगा आपसे पूछा है। कह रहा है एक वैल्यू जो है वो एक्स है, इफ अ नंबर इज एक्स इज 10% लेस देन अनदर नंबर वाई, कह रहा है कि एक एक्स है और एक वाई है, एक क्या है वाई है, आपको बताया 10% कम है, तो 10% अगर कम है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, जिसको आपको 10 से कितना करना है 9, मैंने ये सिखाया था ना, कम करना है 10 से क्या कर देंगे 9, तो एक्स जो है वो 9 यूनिट हो जाएगा और वाई जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और फिर कह रहा है आपसे, देखिए समझने का, कह रहा है कि जो वाई है वो 125 से ना 10% ज़्यादा है, 125 से ना 10% ज़्यादा है, तो 125 क्या होता है, तो आप बोलोगे 125 नंबर यहाँ गिवेन है, तो बोला नहीं कि वाई इज 10% मोर देन 125, तो 125 का 10% अगर आप निकालोगे ना तो आप बोलोगे सर 12.5 आएगा, इसका मतलब जो वाई है वो 125 तो होगा ही प्लस 12.5 और होगा, इसका मतलब ये 137. कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये तो y की वैल्यू आ गई कितनी, तो आप बोलोगे y की वैल्यू आ गई 137.5 आ गई, कितनी आ गई 137.5, लेकिन जो x होगा ना y से 10% कम है, y से कितना है 10% कम है, आप बोलोगे अगर मान लो कि y जो है 137.5 है, ये इससे 10% कम है, तो 137.5 का 10% अगर आप निकालोगे तो 10% निकालोगे तो 13.75 आएगा, कितना आएगा 13.75, तो आप लिखोगे 13.75, ये तो जीरो था, आप बोलोगे सर यहाँ 5 आ गया, ठीक है लेस करोगे ना, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना बचा 4 बचा, कैरी ले लोगे 14 हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा आपका, देखोगे तो ना तो यहाँ ऑप्शन है ना यहाँ है ना यहाँ है, वर्स्ट ऑप्शन कितना दिख रहा है आपको 123.75, ऐसे देखोगे तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, वरना आप यहाँ देख लो यहाँ कितना बचा, तो आप बोलो 6 में 3 गया तो 3 बच गया, और यहाँ पे कितना चला गया कैरी लिया था ना, यहाँ से कैरी लोगे क्या नहीं ना, तो 2 ही बचेगा ये बचेगा, ठीक है 123.75 आपका क्या हो गया ना आंसर, तो घबराना नहीं, बस आप समझोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके, चलो क्वेश्चन को समझने के लिए ना थोड़ा सा समय देना पड़ता है, आप समय देते रहोगे ना तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है आराम से करेंगे आ जाएगा, इसीलिए बीच में ना हम लोग फालतू कुछ ड्रामा ना करके बातें ना करके हम उस चीज़ को कोशिश करते हैं कि सारा कुछ आपको कंटेंट दे, प्योर कंटेंट दे, ऐसा नहीं कि हम 40 मिनट की वीडियो में आके आपके साथ बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, हम क्वेश्चन पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो एक्स परसेंट ऑफ वाई इज 100, कह रहा है देखिएगा एक्स परसेंट ऑफ वाई इस कितना दिया है 100, और फिर बोल रहा है वाई परसेंट ऑफ जेड इज कितना लिया है 200, तो कह रहा है फिर एक्स और वाई में आपको रिलेशन बताना। अच्छा एक चीज मेरे को बताना, एक्स परसेंट ऑफ वाई का मतलब क्या होता है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो एक्स परसेंट ऑफ वाई मतलब एक्स अपॉन 100 इंटू वाई है इक्वल टू क्या है ना 100 है, तो आप बोलोगे एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, क्या यहां से 100 इंटू 100 आप ये मान के चलेंगे xy की वैल्यू यहाँ से 100 आ गई, ये मान चलेंगे, अरे ऐसे मान चलेंगे तब तो फंस जाएंगे ना, चलो कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो फिर आगे मान के चलते, समझना इस चीज़ को मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ, देखो दो इक्वेशन दिया है आपको, ठीक है चलो दो दिया है आपके लिए, एक दिया है y परसेंट ऑफ z इज कितना दिया है 200, तो x परसेंट ऑफ y दिया है 100, y परसेंट ऑफ z दिया 200, कैसे सॉल्व करेंगे आप देखना, इनका रिलेशन पूछा है क्या z और x दोनों बराबर हैं, z x की वैल्यू दोनों बराबर है ऐसा मान लेंगे, या
एक्स जो है जेड के दुगने के बराबर है या जेड जो है एक्स का दो गुना है, ऐसा करके पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन को जो सबसे करने का जो आसान तरीका होता ना, फंसे ना इस चीज़ में, इस चीज़ को लेकर, तो आप ना किसी एक की वैल्यू एज्यूम कर लो, अपने आप समझ में आ जाए। जैसे हमने कहा एक्स की वैल्यू अगर आप 100 मान लो, एक्स की वैल्यू 100 मान लो, तो आप बोलोगे सर 100% ऑफ वाई इज अगर 100 है, तो आप आराम से बोल सकते हो 100% को हम कैसे लिखते थे, तो आप बोलोगे सर 100% को हम लिखते थे 100/100 जो हमेशा क्या होता था 1 देता था। तो आप बोलोगे यहाँ से 1 आ गया, मतलब y इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ से आपको 100 दिख गया, डायरेक्ट दिख गया। फिर आप बोलोगे y अगर यहाँ से 100% हो गया, ऑफ z बोला है जो कि आंसर 200 है, तो आप बोलोगे 100% की वैल्यू 1 होती तो फिर z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, डायरेक्ट 200 आ गई। कितनी आ गई, 200 आ गई। आप फिर रिलेशन अगर समझोगे कि z की वैल्यू सर 200 आ गई, तो फिर आप आराम से यहाँ बोल सकते हो कि x अगर z के बराबर करना है तो x को दुगना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बहुत आराम से मैंने आपको समझाया। ठीक है, इस चीज़ को एक बार और देख लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने x की वैल्यू डायरेक्ट एज्यूम कर ली 100, तो 100 की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। 1 रखोगे तो डायरेक्ट भैया कुछ भी करोगे y से तो वही आएगा, y की वैल्यू डायरेक्ट 100 आएगा। फिर 100% फिर यहाँ लोगे, फिर 1 आ जाएगा, तो z की वैल्यू 200 आ जाएगी। सीधा रिलेशन देख लिया, जेड इक्वल टू कितना आ गया 2x। ठीक है, चलो फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा क्या बोला है। कह रहा है 12.5% ऑफ a इज 30। 12.5% भैया 12.5% तो आपको सिखाया हूँ ना मैं कि 12.5% 1/8 होता है। कितना होता है, 8। तो मतलब कह रहा है कि a का 1/8 जो है ना वो 30 है, तो भाई a की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 240। तो कह रहा है 240 का ना आपको 33% निकालना है, तो 33.33% को क्या बोलते हैं हम लोग, तो 1/3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। तो 1/3 निकालोगे तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 80। तो आप बोलोगे 80 इज योर आंसर, 80 क्या है ना हमारा आंसर आ गया। तो आपको जो मैंने आज सिखाया है वो थोड़ा सा बेसिक पर क्वेश्चन लेकर सिखाया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें से बहुत से कंसेप्ट थे जो मैंने आपको सिखाए हैं, तो कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखेंगे तो आपको आ जाएगा। जैसे सबसे पहले तो मैंने आपको सिखाया a प्लस बी का पैटर्न पर सिखाया, ठीक है, फिर आपको मैंने सिखाया स्क्वायर पर बेस पर कोई चीज़ आए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर मैंने आपको सिखाया कि रेशियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर एक और आया कि मान लो फ्रैक्शन में रेशियो दिया है तो फ्रैक्शन में रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाया मैंने आपको। ठीक है, फिर ऐसे बहुत से क्वेश्चन लिए हैं जिसमें से हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्वेश्चन के जरिए से जरूरी, क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या करना था, कंसेप्ट को बताना जरूरी समझा मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन तो एक खाली रूप है ताकि हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें, तो जाइए इस चीज़ को लगाएंगे, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक पर, नीचे जाके आप ओपन कर लेंगे, आपको PDF सारा मिल जाएगा, क्वेश्चन को आप लगाएंगे आराम समझ में आएगा। कल हम जो मिलने वाले वो मिलेंगे प्राइस कंजप्शन या एक्सपेंडिचर बेस पर क्वेश्चन, जो SSC का सारे एग्जाम का मैक्सिमम फेवरेट रहा है। ठीक है, तो ऐसे मुस्कराते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए, चलिए ऐसे ही मिलते रहेंगे। ओके, चलिए धन्यवाद।